नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फीलखाना थाना अंतर्गत गणेश शंकर पार्क के पास तरुण गोयल की आवाज पर चल रहा था जुआ। जी हां, आपको बता दें, आज पुलिस प्रशासन द्वारा फीलखाना थाना अंतर्गत एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक जुए की फड़ पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 10 लोग जुआ खेलते हुए पुलिस के हत्थे चढ़े, जबकि मौके से 4,21,000 रुपए बरामद भी हुए। इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी सुरेंद्र मीणा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि फीलखाना थाना अंतर्गत गणेश शंकर पार्क के पास तरुण गोयल की आवाज पर बीते काफी लंबे वक्त से जुआ खेलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी, जिसमें ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिससे मौके पर 10 लोग जुआ खेलते पकड़े गए, जबकि 4,21,000 नकदी बरामद हुई। इस पूरी छापामारी के दौरान सोशल मीडिया में कई जगह राजनीतिक दल के नेता के घर से इस जुए की फड़ के संचालन की बात कही जा रही थी, जबकि कई स्थानों पर 1 करोड़ की बरामदगी की बात भी सामने आ रही थी, जिस पर एडिशनल एसपी ने इसे महज एक अफवाह बताते हुए पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की बात कही। इस दबिश में 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे तकरीबन 4,21,000 रुपए की बरामदगी हुई और उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। और साथ ही जहां ये दबिश दी गई है वो तरुण गोयल का आवास है। और कोई सूचना अगर आपको चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आवास तरुण गोयल का है, ये गणेश शंकर पार्क है उसके पास में है ये आवास, फीलखाना थाना क्षेत्र में। तो एक जॉइंट ऑपरेशन था क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस के द्वारा, जिसमें 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे बरामद भी 4,21,000 रुपये हुई। इस तरह की हमारे पास में कोई सूचना? सच्चाई जो है वो ये है कि 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे बरामद भी होंगे 4,21,000 रुपये। इस संबंध में हमारे पास में कोई जानकारी नहीं, किस राजनीतिक पार्टी है, किससे जुड़े हुए हैं, इस संबंध में हमारे पास में कोई सूचना नहीं।